ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। आज से माता वैष्णो देवी यात्रा की शुरुआत हो गई है। माता का दरबार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। कोरोना की वजह से 5 महीने से माता का दरबार भक्तों के लिए बंद था, लेकिन अब प्रशासन ने यात्रा शुरू कर दी है। हालांकि इस बार यात्रा का स्वरूप पहले से अलग होगा। यात्रियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा, सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग जैसी शर्तों को पूरा करना होगा। साथ ही इस बार लोगों को पिट्ठू पालकी और खच्चर जैसी सुविधा भी नहीं मिलेगी। महीने बाद खुल गया माता वैष्णो देवी का दरबार। जय माता दी, 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 जय माता दी। लंबे इंतजार के बाद श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर पर हाजिरी लगा रहे हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। कटरा में माता के श्रद्धालुओं का रेला शुरू हो चुका है। आखिरकार 5 महीने के लंबे इंतजार के बाद आज से प्रशासन ने वैष्णो देवी यात्रा को फिर से शुरू कर दिया। इस मौके पर कटरा में श्रद्धालुओं का जोश देखते ही बनता है। करीब 5 महीने के बाद अब माता वैष्णो देवी की यात्रा जो है वो शुरू हो गई है। और आप देख सकते हैं ये जो यात्री यहाँ पर पहुंचे हैं ये पहले यात्री हैं जो आज माता वैष्णो देवी के दर्शन जो हैं वो करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर कोविड को लेकर कई इंतजाम जो हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाणगंगा में पहुँचते ही यहाँ पर सर्कल्स जो हैं वो बनाए गए हैं, जिसके बाद यहाँ पर सैनिटाइजेशन इनको करना है और ये थर्मल स्कैनिंग जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। जितने भी यहाँ पर यात्री हैं उनकी यहाँ पर थर्मल स्कैनिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है, ताकि जो यात्रा यहाँ से करें वो उससे पहले उनका टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर चेक किया जा सके। इससे पहले श्राइन बोर्ड ने यहाँ पर साफ कह दिया था कि जितने भी यात्री यहाँ पर पहुँचेंगे उनको यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना जो है वो यहाँ पर अनिवार्य होगा, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही ये सभी यात्री जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और आप देख सकते हैं कि अब एक एक करके यहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग जो है इन यात्रियों की यहाँ पर की जा रही है। हालांकि इस बार की यात्रा पहले से काफी अलग होगी। कोरोना की वजह से यात्रा के लिए नए नियम जारी किए गए हैं। प्रशासन के मुताबिक यहाँ आने वाले यात्रियों को मास्क लगाना जरूरी होगा, सैनिटाइजेशन और थर्मल स्कैनिंग के बाद ही एंट्री मिल सकेगी। सभी एंट्री पॉइंट्स पर थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों का कोविड टेस्ट कराया जाएगा। जम्मू कश्मीर के कोरोना रेड जोन से आने वाले श्रद्धालुओं का भी कोरोना टेस्ट होगा। यात्रियों को मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना जरूरी होगा। 10 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को यात्रा करने से रोका गया है। इस बार यात्रियों को पिट्ठू पालकियों और खच्चरों की सुविधा नहीं मिलेगी। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुताबिक कोरोना को देखते हुए पहले हफ्ते में रोजाना 2000 तीर्थ यात्रियों को ही यात्रा पर जाने की अनुमति मिलेगी, जिसमें 1900 यात्री जम्मू कश्मीर और 100 यात्री दूसरे राज्यों से होंगे। आगे हालात के मुताबिक समीक्षा कर फैसला किया जाएगा। अभी जो जेएनके यूटी गवर्नमेंट ने जो एक SOP निकाली थी उसके अकॉर्डिंग 16 से सभी रिलीजियस प्लेसेस ओपन किए गए हैं, तो आज से श्री माता वैष्णो देवी का दरबार भी खुला है। पर इसमें खोलने में बड़े ही प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए हैं। पहली चीज़ तो यहाँ पर उसकी लिमिट जो है 2000 तक रखी गई है। 2000 में 1900 जो लोकल JNK UT के आ सकते हैं और 100 लोग जो है कि आउट ऑफ JNK UT आ सकते हैं। यात्रा के लिए प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं। यात्रा के एंट्री पॉइंट बाणगंगा से लेकर भवन तक हर जगह सैनिटाइजर मशीनें लगाई गई हैं। इसके अलावा सभी एंट्री पॉइंट और कई जगहों पर थर्मल स्कैनिंग का इंतजाम भी किया गया है। थर्मल स्कैनिंग के बाद ही यात्री आगे बढ़ सकेंगे। एंट्री पॉइंट और दर्शन द्योड़ी पर जम्मू कश्मीर के बाहर से आए लोगों और कश्मीर के रेड जोन वाले जिलों से आने वाले यात्रियों की कोरोना रिपोर्ट चेक की जाएगी। जिन यात्रियों के पास कोविड नेगेटिव होने संबंधी रिपोर्ट होगी उन्हें ही आगे जाने दिया जाएगा। इस समय हम कटरा में बाणगंगा में मौजूद हैं और श्राइन बोर्ड की तरफ से यहाँ पर सारे इंतजाम जो हैं वो यहाँ पर कर लिए गए हैं। और अब खुद श्राइन बोर्ड के CEO हैं रमेश कुमार, वो खुद यहाँ पर पहुँचे हैं और आप देख सकते हैं कि खुद की वो पहले यहाँ पर थर्मल स्कैनिंग जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं और सैनिटाइजेशन करके वो थर्मल स्कैनिंग जो है उन्होंने यहाँ पर की है। और इसके अलावा किस तरीके से पूरी तैयारियाँ यहाँ पर की गई हैं उसका वो यहाँ पर जायज़ा ले रहे हैं। जो यहाँ पर जिस तरीके से यात्रा शुरू हुई है उसका निरीक्षण करने जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं और लगातार यहाँ पर क्योंकि प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो कोविड की वजह से यहाँ पर लिए जा रहे हैं। कुछ केसेस जो हैं वो भी कटरा में भी यहाँ पर आए थे, भवन में भी आए थे, लेकिन यहाँ पर ख्याल रखा जा रहा है हर चीज़ का। सोशल डिस्टेंसिंग खासतौर पर यहाँ पर मेंटेन की जाएगी, लेकिन जो भी यात्री आएगा कहीं से भी आएगा उसका पहले कोविड टेस्ट होगा, उसी के बाद वो माता वैष्णो देवी के दर्शन जो है वो यहाँ पर कर सकता है।
लंबे इंतजार के बाद शुरू हुई यात्रा में अभी यात्रियों को पिट्ठू, पालकी और खच्चरों की सुविधा नहीं मिलेगी। हालांकि यात्रियों को बैटरी कार, रोपवे और हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध होगी। हालांकि तमाम बंदिशों के बावजूद श्रद्धालुओं के जोश में कमी नहीं आई है। पहले तो मुबारक हो आपको कि आप पहले वो शख्स हैं जो जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। कैसा आपको लग रहा है और क्या ये कितना 5 महीने के बाद खुलना कितनी बड़ी बात है? बहुत अच्छा लग रहा है, हम तो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। क्या आप सबको बोलना चाहेंगे आने से पहले क्या क्या फॉलो किया जाए? हम बिल्कुल पूरे जो गाइडलाइन है वो सारे वो करेंगे, हमने सैनिटाइजर लाया हुआ है अपने साथ और जहाँ पे हमें जे चेकिंग के लिए रोकेंगे हम वहाँ पे रुकेंगे, इनका पूरा साथ देंगे श्राइन बोर्ड का। लंबे वक्त बाद शुरू हुई माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए प्रशासन ने हर संभव इंतजाम किए हैं। यात्रा के लिए सुरक्षा इंतजामों पर भी खास ध्यान दिया गया है, जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है, साथ ही लोगों के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। शहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, कटरा।